में पहुंच गए कुतुब मीनार, देख सकते हो मेरे सामने भाई साइकिल में पीक रही नेपाल से पहुंच गया। बस का टिकट मिल गया और आप जितना भी ट्रेवल करोगे ना सिर्फ कैंट्री पे। यहाँ पर टिकट सिस्टम है, पर टिकट कहाँ काटना पड़ेगा, टिकट यहाँ ही काटना पड़ेगा या बाहर दूसरे साइड। दूसरे साइड देख लो भाई, यही देखने हम अंदर जा रहे हैं। टिकट मिल गया भाई, कितना का ये? सब स्पेशल आ चुके हैं, ये लीजिए टिकट, ले लिया। या वीडियो कैमरा बंद कीजिए, बंद इधर अलाउ नहीं है। पूरा ये पत्थर से बना हुआ है क्या? पूरा पत्थर से। ये कितना सुंदर सीन देख रहे हैं, ऊपर प्लेन उड़ रहा है, मजा आ गया ये देख के, सच में दिल खुश हो गया। फिलहाल गाइज हम जा रहे हैं कुतुब मीनार उधर घूमने के लिए। जितना दिन गाइज दिल्ली रुकेंगे उतना दिन एक्सप्लोर करेंगे, सो दो चार दिन गाइज रुक के एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद सीधा राइट होगा गाइज मुंबई का। अभी जा रहे हैं गाइज कुतुब मीनार देखने के लिए, और मैं और हमारा नेपाल का एक भाई है, क्या है तुम्हारा नाम? सुदीप मगर। सुदीप मगर, सो गाइज ये भी इधर काम करते हैं, फर्स्ट टाइम देखने जा रहा हूँ, तो कैसा है आप लोगों को भी दिखाऊंगा, मैं भी देखूंगा, तो चलते हैं गाइज यहाँ से। ताई ने मुझे रूम का चाबी दिया था, अभी रूम को लॉक लगाएंगे उसके बाद जाएंगे। पहले तो पंखे को बंद कर दूंगा और लाइट को भी ऑफ कर दूंगा, उसके बाद निकलते हैं। ये देख सकते हो गाइज ऑफ कर दिया, चलो इसको भी बंद कर देते हैं। शाम थोड़ा अंदर है और रास्ता भाई इतना कंफ्यूज हो जाता है, देखो पूरा चारों गली गली, इधर भी गली, इधर भी गली, इधर भी। अभी गाइज मैं इधर से निकलूंगा ना, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा गाइज मैं कहाँ से निकल रहा हूँ और कहाँ से जा रहा हूँ। पर देखो भाई कितना अच्छे से ये बैठा हुआ है ऊपर, क्या खा रहा है, स्क्रॉल है स्क्रॉल, वाओ कितना प्यारा दिख रहा है यार। अरे शाम चलते चलते हाईवे में पहुँच गए, अभी यहाँ से बस पकड़ के जाना होगा, दाई चला गया ना तो स्कूटी भी नहीं है, तो हम दोनों गाइस चल के जाना पड़ेगा। जो हम रहते हैं ना भाई उसका जगह का नाम क्या है? कटवारी सराय। कटवारी सराय, कटवारी भाई, अगर मैं भूल गया ना तो ये वीडियो देख के याद करूंगा कटवारी। देख सकते हो गाइस हाईवे का हालत कुछ ऐसा है, बहुत धूप है फिलहाल, बच चुका है चार बजे भी भाई इतना धूप देता है ना, आप लोगों को मैं बता भी नहीं सकता। सो गाइस हम देर से निकले और थोड़ा आगे जाके हमको बस पकड़ना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, यहाँ से समथिंग कुतुब मीनार 3-4 किलोमीटर दूर है, तो आराम से आज उधर घूमेंगे एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद कौन सा जगह जाना भाई आप भी कमेंट करना और मैं भी देखता हूँ कौन सा जगह जाऊँगा। यहाँ पर आके बस स्टैंड में बस को वेट कर रहे हैं, कब आएगा बस, कब लेकर जाएगा हमको कुतुब मीनार। सो गाइस हमारा बस आ चुका है 523, इसमें जाएंगे। चलो यहाँ पर दो दरवाजा था, एक आगे एक पीछे, ये अच्छी बात है भाई। सो गाइस अंदर घुसते कुछ ऐसा है यार, ओहो हो, अब गाइस धोखा भी बंद होता है। दिल्ली में आके गाइस दिल्ली का फर्स्ट बस में बैठा हूँ, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस, और इतना बड़ा है यार, यहाँ पर सीसीटीवी भी है, देखो सीसीटीवी भाई बस में पूरा सीसीटीवी सिस्टम। बस का टिकट मिल गया और आप जितना भी ट्रैवल करोगे ना सिर्फ कैंट्री पे भाई, कैंट्री तो ओनली कैंट्री पे, जितना भी ट्रैवल करोगे मतलब दिल्ली में ना, दिल्ली अभी बस से हम उतर चुके हैं और हम आधा रास्ता आगे आ गए, मतलब अभी 1 किलोमीटर फिर से चल के जाना होगा। और यहाँ का भीड़ देखो भाई, इतना ज़्यादा शोर शराबा, क्या बताओ यार, अभी सीधे सीधे चल के जाना होगा सीधे सीधे। गाइस यहाँ पर रोड क्रॉसिंग के लिए ब्रिज है और आप ऐसे रोड क्रॉसिंग कर सकते हो गाइस, यहाँ पर बहुत दूर दूर में है रोड क्रॉसिंग भी, 2-2 किलोमीटर। चलते चलते भाई बैंड बज रहा है इतना धूप में, देख सकते हो कुछ ऐसा है नज़ारा, यहाँ से नीचे हाईवे है ऊपर रोड क्रॉसिंग। यहाँ पर गाइस लिफ्ट भी है, लिफ्ट से भी आ सकते हो, पर ये शायद चला नहीं होगा। इस रास्ते में हम माउंटेन ड्यू पी के चल रहे हैं और यहाँ पर देखो भाई रास्ते में ये किस लिए है ये फ्लावर, गर्लफ्रेंड के लिए, जब शादी करेगा तब आएगा। ये देख सकते हो गाइस रास्ते में आपको बहुत सारा सुंदर सुंदर फ्लावर मिलेगा कुछ ऐसा, आहा हा, कितना का भैया, कितने का? 600 भाई सब इतने महंगा। ये देखो भाई ये कौन सा फ्लावर है, कितना सुंदर सुंदर फ्लावर है। सो गाइस आपको यहाँ पर रास्ते में मिल जाएगा, आप गर्लफ्रेंड को भी गिफ्ट दे सकते हो या बीबी को भी दे सकते हो या किसी को भी दे सकते हो भाई, हमको तो क्या, सिर्फ हम तो आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर आए थे, अभी जाके देखेंगे गाइस कुतुब मीनार हम पहुँचने वाला है, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, उसके बाद भाई असली झलक कितने आंकला जाके, मतलब
असली व्यू देखेंगे उसके बाद, ठीक है गाइस। अबे हम पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार का जो मेन गेट है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और अंदर का व्यू दिखाएंगे गाइस अंदर जाते ही। चलो गाइस नजारा तो कुछ ऐसा है। यहाँ पर टिकट सिस्टम है, पर टिकट कहाँ काटना पड़ेगा? यहाँ पर टिकट यहाँ ही काटना पड़ेगा, यहाँ पर दूसरे साइड यहाँ से एंट्री है। अरे यार हमको तो पता ही नहीं था गाइस अभी टिकट काटना पड़ेगा और यहाँ से कैसे एंट्री होगा। हम तो फर्स्ट टाइम आए ना तो इसलिए कुछ भी नहीं पता। हमारा भेजा तो भाई इतना लंबा लाइन भाई वहाँ पर, मतलब लाइन में रुक रुक के जा रहे थे, अंदर जाके गाइस टिकट मांग लिया तो बेइज्जती हुआ ना। तो गाइस कहाँ पर होगा अब टिकट काउंटर? अभी किसी को पूछना पड़ेगा यार। भाई टिकट काउंटर आगे, टिकट काउंटर गाइस थोड़ा आगे है देख सकते हो, तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा रोड को। यहाँ पर देखो घर कितना ज़्यादा है यार, शायद इसके अंदर होगा मे भी। यहाँ पर है टिकट काउंटर और इतना लंबा लाइन है। इस भाई अंदर गए टिकट लेने के लिए, तब तक आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये है कुतुब मीनार जो अभी गाइस हम देखने जा रहे हैं अंदर। ऐसे है गाइस नेपाल का भी ऐसे है, मतलब नौ ताले धरा अभी अभी ओपनिंग हुआ था। और इसको बोलते हैं गाइस, मुझे भी नहीं पता यार लोटस क्या बोलते हैं। यहाँ पर भी जाएंगे पर यहाँ से थोड़ा दूर है, देख लो भाई यही देखने हम अंदर जा रहे हैं। काफ़ी मजा आएगा गाइस अंदर ये जाके देखने में। टिकट मिल गया भाई, कितना का है? ये एक का 40 रुपये। एक का 40 रुपये। चलो गाइस अब जाएंगे अंदर, अभी देखेंगे कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ही बोलते हैं ना? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार नहीं, मियार मियार। अब जाएंगे गाइस अंदर, ये देखो गाइस टिकट कुछ ऐसा है, वाओ काफी अच्छा है। फिर से देख सकते हो भाई इतना लंबा लाइन बन गया। अभी अभी तक हम अंदर होके आए थे बाहर, वैसे इतना लंबा लाइन बन गया। इन सब में एक इमरजेंसी गेट भी है, आप यहाँ से जा सकते हो अंदर घूमने, मतलब इमरजेंसी में। मुझे तो इमरजेंसी है, जल्दी जल्दी जाना है। और वजह का गेट पहले के जमाने ऐसा होता था लकड़ी का। So guys, आ चुके। ये टिकट ले लिया, वीडियो कैमरा बंद कीजिए, बंद इधर अलाउ नहीं है, नहीं है बंद करो। तो अभी हम अंदर घुस चुके हैं और अंदर घुसते ही नजर कुछ ऐसा है भाई, यहाँ से देख रहे हैं कितना बड़ा है कुतुब मीनार। और ये देखो किला, पुराना किला, और यहाँ से गाइस आप अंदर जा सकते हो, पुराना डिजाइन का स्ट्रक्चर है। वाओ काफी अच्छा जगह है यार, ये देख सकते हो भाई, मैंने सिर्फ ये मूवी में देखा था, आज मैं रियल आंखों से देख रहा हूँ। ये पूरा मिट्टी और पत्थर से बना हुआ है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। ओहो ये देखो मिट्टी और पत्थर, मतलब पुराना डिजाइन का स्ट्रक्चर, ये देखो। सो आगे जाएंगे गाइस आपको कुतुब मीनार दिखाएंगे, पहले तो आपको ये मेन जो यहाँ का चीज़ है पुराना वो दिखाता हूँ, ठीक है, एक्सप्लोर कर लेंगे। पहले तो आपको ये पार्क का नजारा दिखाएंगे, ठीक है, यहाँ पर पूरा हरियाली है और पूरा हरा भरा, ठीक है। आगे देख रहे हैं गाइस नया कुतुब मीनार, मुझे लगा था वो ये था पुराना वाला, पता नहीं गाइस मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। भाई कितना सुंदर सीन देख रहे हैं, ऊपर प्लेन उड़ रहा है, ओहो ये दोनों गाइस मीनार के ऊपर से प्लेन स्कोडल आ रहा है, कितना प्यारा है। पता नहीं गाइस मेरे हाथ में आएगा या नहीं, जाओ तो एउटा वीडियो बना इस बार सिनेमैटिक में ना था खान सा स्कोडल आ रहा है, पता नहीं मेरा हाथ में आएगा या नहीं। वाओ ओहो आ गया, कितना प्यारा देख रहे हैं भाई सच में। किसी पुराने ज़माने का राजा का महल था, मुझे तो ऐसे लग रहा है एग्जैक्टली, पता नहीं गाइस क्योंकि मैंने विश्वास नहीं किया, पर काफ़ी अच्छा है, सेटिस्फाइंग है, पुराने ज़माने का किला जैसा लग रहा है। ये देखो मज़ा आ गया, और ऐसा स्क्रॉल आपको रास्ते में मिल जाएगा, ये काफ़ी फ्रेंडली है गाइस, मतलब इंसान से जो भी टूरिस्ट आता है ना वो लोग शायद बिस्किट वगैरह देता होगा इसलिए इतना फ्रेंडली है। तो यहाँ पे आके गाइस आप फोटो शोटो खिंचा सकते हो अच्छी तरह से, और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है कुछ ऐसा है। वाह मज़ा आ गया, यहाँ पर देखो भाई पत्थर, पूरा ये पत्थर से बना हुआ है क्या, पूरा पत्थर से। सो गाइस अंदर आते हैं नज़ारा कुछ ऐसा है, वाह मज़ा आ गया यार ये देखकर, ये होता है असली कुतुब मीनार। तो ये पुराने ज़माने का पूरा किला जैसा देख रहा है, मुझे तो किला ही लग रहा है यार, राजा का महल ही। और मेन है गाइस यहाँ से शायद देखेगा, ये देखो हम यही देखने के लिए आए थे यहाँ पर, इतना बड़ा कुतुब मीनार।
लाइफ में गाइज इंडिया आके दिल्ली आके फर्स्ट टाइम ये मेरा कुतुब मीनार में। सो काफ़ी बढ़िया लगा भाई, यहाँ पे नज़र कुछ ऐसा है, थोड़ा मोटा भीड़ है, उतना ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा शांति लग रहा है और धूप भी उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी बच चुका है 5 ना, तो इसीलिए यहाँ पर आपको बैठने के लिए जगह है और थोड़ा पीसफुल है, तो आप यहाँ पर रुक सकते हो, बैठ सकते हो, काफी सुंदर है। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया कुतुब मीनार, देख सकते हो मेरे सामने भाई साइकिल में बिक रही नेपाल से पहुंच गया कुतुब मीनार। अभी गाइस मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो गाइस मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है ट्रैवलिंग कमेंट करके बताना। अभी तो और आगे जाना है, नेक्स्ट कंट्री भी जाना है। अभी फिलहाल गाइस मैं इंडिया एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो अभी गाइस दिल्ली के बाद मैं जाऊँगा मुंबई, और फिलहाल गाइस दशहरा आने वाला है, तो आप सभी को ढेर सारा शुभकामना, हैप्पी दशहरा। तो गाइस मेरा डेली व्लॉग मिस मत करना। ये देख सकते हो मीनार इतना लंबा, वाओ यार मजा आ गया ये देख के, सच में दिल खुश हो गया। हाँ कौन कौन आया गाइस इधर कमेंट करना, और जो भी आए हो जिसने भी ये व्यू देखा है, नज़ारा देखा है, काफ़ी अच्छा लगा होगा है ना। ठीक है एक बार कमेंट छोड़ देना, तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा। आई जस्ट लव इट गाइस, आई जस्ट लव इट। यहाँ के काफ़ी अच्छा लगा, पूरा कुतुब मीनार घूम लिया, और यहाँ से गाइस ऊपर भी जा सकते हो। फिलहाल यहाँ पर शायद बंद किया हुआ है, ये देख सकते हो ऊपर चढ़ भी सकते थे, अभी तो गाइस यहाँ पर बंद है। अभी फिलहाल निकलेंगे यहाँ से, तो कैसा लगा गाइस कुतुब मीनार कमेंट करना। भाई यहाँ तक आने में मुझे साइकिल में 3 महीना लग गया, तो आई प्राउड टू बी, और कमेंट में क्या ओपिनियन है लिख देना। और यहाँ से मैं सीधा जाएगा आप रूम में, उसके बाद कौन सी जगह एक्सप्लोर करना वो भी कमेंट कर देना। अभी तो गाइस यहाँ से हम निकल रहे हैं, नीचे से नज़ारा कुछ ऐसा है गाइस, यहाँ से आप चढ़ के ऊपर जा सकते हो। अंदर कहाँ से जाने का, शायद उधर से होगा, यहाँ से दरवाजा होगा। तो गाइस ये देखो अंदर कैसा है किसी को भी नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता, दूसरे को पता होगा जो अंदर गया है। और यहाँ पर देखो किला जैसा है, किला जैसा, वाओ कितना बड़ा है यार, ये कितना लंबा है। वहाँ से तो गाइस दिखाई भी नहीं दे रहा था टॉप में, ये थोड़ा दूर से दिखाई दे रहा है। गाइस देखो ऊपर ऊपर कुतुब मीनार के ऊपर ऊपर से प्लेन जा रहा है, वाओ ये नज़ारा काफ़ी अच्छा है, सेटिस्फाइंग। तो फिलहाल गाइस यहाँ से निकल रहे हैं, फोटो वगैरह खींच लिया, अच्छे से खींच लिया फोटो। फोटो ही नहीं लिया, नहीं लिया भाई, लेना चाहिए था ना। अब जा रहे हैं गाइस हम वापस रूम में, और कल हम कहाँ जाएंगे भाई, हम जाएंगे लोटस टेम्पल, उसके बाद जाएंगे हम अच्छे धाम मंदिर जाएंगे। सो गाइस हम काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली को, और ये देखो भाई पूरा पार्क, कहाँ कितना दूर दूर से आ रहे हैं, वहाँ पर टूरिस्ट है गाइड कर रहे हैं, हमको तो गाइस गाइड की कोई भी जरूरत नहीं। यहाँ पर पार्क है, आप बैठ सकते हो, पूरा चिड़िया है, ची चू कर रहा है, ये है दिल्ली, ये देखो लड़के बुलेट में। इस फिर से बस आ गया, और यहाँ पर थोड़ा भीड़ ज़्यादा है भाई अब तो, ये देखो। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने गले में, और यहाँ पर देख सकते हो मोमो खाने जा रहे हैं भाई, और मैं तो मोमो खाएंगे उसके बाद वापसी जाएंगे। रात में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है इधर, तो ज़्यादातर गाइस रात का ही होता है भीड़, क्योंकि दोपहर तो इतना गर्मी हो गया है ना, चलना भी मुश्किल होता है। गाइस अभी आ चुके हैं हम मोमो खाने के लिए, ये देख सकते हो, और यहाँ से मोमो खा के जाएंगे। कैसे बढ़िया है, मस्त है भाई, मोमो आ गया, मोमो आ चुके हैं, अभी खाएंगे तो अच्छा रे। ये पीनट वाला, और ये है तीखा, तीखा ये है तीखा, ये है पीनट गाइस, दो चटनी अभी मैं खाऊंगा पीनट में डाल के, खा लो चेस करेंगे। ओहो चेस, ये भी ट्राई करेंगे। देखो गाइस एक प्लेट खत्म करके फिर से एक प्लेट मंगा दिया, मतलब हम इतना ज़्यादा खाते ना मोमो, क्या बताऊँ गाइस बता नहीं सकता। और यहाँ पर देखो भाई क्या क्या मोमो मिलता है यहाँ पर, पनीर फ्राई और स्टीम सब मिलेगा भाई, देख सकते हो ऐसा इंस्टॉल मिलता रहता है गाइस हर जगह दिल्ली के कोने कोने में।